गुड मॉर्निंग एवरीवन, ए के स्टडी पॉइंट के डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2020। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में किस IIT संस्थान ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए COVID-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT गांधीनगर, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IIT गांधीनगर। और IIT गांधीनगर के जो निदेशक हैं वो हैं सुधीर जैन और ये है गुजरात में। नेक्स्ट, रेटिंग एजेंसी फिच ने हाल ही में जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर को 9.5% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 5.4%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8%। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए जो है ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी HDFC बैंक। और HDFC बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं आदित्य पुरी और इसका जो मुख्यालय है वह है महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट, किस देश की सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वह इमरान खान और वहां के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं आरिफ अलवी और राजधानी जो है इस्लामाबाद है। नेक्स्ट, हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन बी अवधेश कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी अरुण मिश्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे। और ये जो है राजीव के चंद्र के स्थान पर आए हैं। राजीव के चंद्र का जो है 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए इमरान ख्वाजा, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी शशांक मनोहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शशांक मनोहर। और अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के पद का जो है कार्यभार इमरान ख्वाजा को दिया गया है। ICC के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो है मनु साहनी और इसका जो मुख्यालय है वो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। और ये जो है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं संजीव कुमार बालियान। नेक्स्ट, हाल ही में विजडन ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 2 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 जुलाई। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। और ई ग्रंथालय जो है ये जितने भी उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी हैं और कॉलेज हैं सभी के लाइब्रेरी के जो है पुस्तकों का जो है एक ग्रंथालय बनाया गया है जो कि सभी के लाइब्रेरी के बुक्स जो है एक जगह मिल जाएंगे, इसलिए जो है ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 500। और ये जो है
शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है। शिक्षा का गुणवत्ता में जो है बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के स्तर को अच्छा करने के लिए जो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है मंजूरी मिली है। ये स्टार्स कार्यक्रम जो है 6 राज्यों में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। तो ये थे गाइस आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर गाइस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइस, टेक केयर।